ये है बाथू का साग। सर्दियों में ज्यादातर बाथू का साग मिलता है, गर्मियों में तो कई तरह जगह मिलता भी होगा, लेकिन सर्दियों में हर जगह हर शहर में मिलता है और हर गली में मिलता है। आते हैं सब्जी वाले बेचने, तो बाथू साग सर्दियों में सबके पास होता ही है। आपने कई तरह की साग खाई होगी, पालक, सरसों, मेथी, चने की, लेकिन इस साग को का जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी तो बाथू साग है ही। तो इस जो बाथू साग की रेसिपी है, एक बार ठंड में ना बनाया तो क्या खाया, तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, ट्राई करें कि कैसा है ये। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी पता चलेगा कि कौन सी रेसिपी है और कैसी है, तो फिर आप बना पाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बाथू साग को हम उबालेंगे। तो पानी मैंने यहाँ रख दिया है उबलने के लिए, अच्छे से पानी में उबाल आ गया है। उबलते हुए पानी में हमें इसे कम से कम 50% तक उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है, लेकिन ध्यान रहे पानी में जब उबाल आ जाए तभी, और 5 से 6 मिनट ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। तो अब इसमें साग को डाल देंगे और स्पैचुला इसको पलटे या स्पैचुला से अच्छे से दबा दें ताकि जो साग है पानी के अंदर चला जाए। और ध्यान रखें हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, कहते हैं ना ब्लांच करना, वही मैं कर रही हूँ इसको। तो बस जैसे ही उबाल आए गैस ऑफ कर देंगे, तो उबाल आने दें। तो ये देखिए अच्छे से ब्लांच हो गया है, गैस ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसे बिल्कुल चिल्ड यानी ठंडे पानी से, हमें ठंडे पानी में इसे डालना है, तो चलिए डालते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गर्म है और ये मैंने बर्फ़ जमा कर रखा था, उसी का पानी, देखिए बर्फ़ दिख भी रहा है, तो वही वाला पानी मैंने लिया है। और इस गर्म पानी से तुरंत निकाल कर इसको और इसमें डाल देना है बर्फ़ वाले पानी में। अगर बर्फ़ नहीं है तो बिल्कुल चिल्ड पानी लेकर डालें। इसमें डालने से क्या होता है, एकदम हरा हरा दिखता है, ये कलर इसका मतलब चेंज नहीं होता है। और साग को ज़्यादा ना उबालें, नहीं तो इसका कलर ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल हरा रहेगा। और इसे हमें इसमें सारे साग को डाल देना है और इसे थोड़ा दबा देंगे और 10 मिनट इसी ठंडे पानी में इसे हमें छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल ये साग ठंडा हो गया है और कलर भी देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसे पानी से निकाल लेंगे, छन्नी में छान कर ले लेंगे जार, और इसमें हम डाल देंगे ये उबला हुआ जो बाथू था इसको डाल देंगे, और साथ ही में ये धुला हुआ साफ किया हुआ धनिया है आधा कप, इसको भी डाल लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। देखिए स्मूथ सा पेस्ट मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और 1/3 बाथू मैंने निकाल कर अच्छे से चॉप कर लिया है। और मैंने बाथू का बताया नहीं था कितना लिया था, तो मैंने 1/2 किलो बाथू लिया था। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी गर्म होने के बाद डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। जीरा को अच्छे से हल्का ब्राउन होने देंगे। बहुत मिर्च, इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पका लेना है। और इसी में डाल देंगे ये 2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन है, और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। गैस ऑफ कर देंगे और जो ये साबुत लाल मिर्च है ना, इसे हम कूट लेंगे। आप चाहे तो तोड़ भी सकते हैं। ये जो रेसिपी बना रही हूँ इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो ये है जो पत्ते वाला लहसुन होता है ना, वही है। और इसे भी डालकर थोड़ा सा सुनहरा कलर कर लेंगे। और जो ये देखिए मिर्ची थी ना सूखी वाली लाल, उसको मैंने कूट दिया है, इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि पूछिए मत। तो इसे भी थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने, उसे अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे भी प्याज को भी भून लेंगे। डाल देंगे 1 टमाटर को मैंने ग्रेट करके ले लिया है, उसका छिलका निकाल दिया था, और इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर अच्छे से भूनकर ब्राउन ना हो जाए। अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से ग्रेवी की थिकनेस बढ़ जाएगी और ग्रेवी को बहुत सा अच्छा टेक्सचर मिलेगा। तो इसे हमें अच्छे से भून लेना है, तो इसको मिक्स करेंगे और खूब अच्छे से सुनहरा होने तक बेसन को भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बेसन अच्छे से भून चुका है। जैसे हम बेसन का हलवा बनाते हैं ना, उसमें जब झाग झाग सा दिखता है, वैसे ही इसमें भी झाग झाग सा दिखने लगे, तो समझ लीजिए बेसन अच्छे से भून चुका है। अब ये चॉप किया हुआ जो बाथू था उसको भी डालकर ऐसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये अच्छे से भून चुका है, आप डाल देंगे जो पेस्ट बनाकर मैंने रखा था ना, अब इसको डाल देंगे। और इसे हमें 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है।
ताकि ये अच्छे से पक जाए, जो कच्चा पन है इसका वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही बीच बीच में इसे चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से पकड़ लेगा। तो इसे हमें भूनना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने जार का जो था उसको पानी डालकर अच्छे से धो के निकाल लिया है, और इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें भून लेना है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद इसका जो कच्चापन होता है, ऐसे उबालने के बाद ही कच्चापन ख़त्म हो जाता है उबाल, लेकिन ये जो भूनना होता है इसे हमें अच्छे से भूनना होता है। तो भूनने के बाद डाल देंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। ध्यान रखिए भूनने के बाद ही मसाले डालें, नहीं तो मसाले भी इसी के साथ भून जाएंगे। अब ये है ड्राई रोस्ट किया हुआ धनिया का पाउडर कूटा हुआ, और ये है सौंफ 1/2 चम्मच, ये भी मैंने भून कर कूट लिया था, और 1/2 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर ड्राई रोस्ट किया हुआ डाला है, और ये भी है भुना हुआ जीरा का मतलब दरदरा कूटा हुआ 1/2 चम्मच पाउडर। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा खाना है तो आप हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च का पाउडर, और अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है और चला लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और 1/2 चम्मच डाल देंगे हल्दी का पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम पानी। आपको ग्रेवी बहुत गाढ़ी या कैसी खानी है, थिक खानी है, उसके हिसाब से आप डाल दें इसमें पानी और अच्छे से इसे चला दें, और लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए यानी उबलने के लिए रख देंगे। तो इसे आप ढक कर हम लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट और पका लेंगे। पकने के बाद फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है। इसकी ग्रेवी हमें इतनी चाहिए, इसकी थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए। तो ये देखिए अगर बहुत पतला आपको बनाना है तो और पानी डाल सकते हैं, और गाढ़ा करना है तो और भी इसका पानी सुखा दीजिए। तो गैस मैंने ऑफ कर दिया है, और चलिए फिर अब एक तड़का और तैयार करेंगे जो इसमें डालना है। तो फिर तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन लेंगे, और पैन में 1 चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी के मेल्ट होने के बाद 1 पिंच के करीब इसमें डाल देंगे हींग, और अच्छे से इसे पकने देंगे। के ब्राउन होने के बाद 1 चम्मच कटे हुए ये लहसुन डालेंगे इसमें, और इसको भी हम सुनहरा होने तक भून लेंगे, और साथ ही डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च। हरे वाला लहसुन होता है ना, उसी का ये नीचे वाला भाग है, इसको भी हमें इसमें अच्छे से भून लेना है। इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ये इसका कलर डार्क हो जाएगा, और लहसुन जो दोनों है ना इन्हें हमें अच्छे से भून लेना है। और 1 चम्मच भर के डाल देंगे सफ़ेद तिल व्हाइट सेसमे सीड्स, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट इसे हमें भून लेना है। अब इसके ऊपर हमें ये जो तड़का बनाया है मैंने इसमें डाल देना है, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसका जो टेस्ट है एक बार ज़रूर बनाएं और बनाकर खाएं, तभी पता चलेगा कि इसका स्वाद कैसा आता है। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर दिया है। ये रेसिपी है लहसुनी बाथू। आपने पालक जो होता है ना लहसुनी पालक की सब्जी तो बहुत खाई होगी, लेकिन जो मैं रेसिपी बनाई हूँ, तो ये देखिए इसे आप ढक कर और 1/2 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि जो मैंने तड़का लगाया था उसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, बाथू के अंदर। तो ये है लहसुनी बाथू की रेसिपी। सब्जी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती रहूँगी अगले वीडियो में नई नई रेसिपीज़ लेकर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।